बिल्कुल तेज रहा है, अपने बाइक 100 को टच करने वाली है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिर्ची ऑटो राइडर। तो गाइस, आज है 15 अगस्त और आप सभी को मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम 15 अगस्त की पार्टी पे जा रहे हैं, राइड वगैरह कैंसिल, आज हम पार्टी करेंगे। तो बाइकें हमारी सारी यहाँ खड़ी हो चुकी है, मोजो अपनी पल्सर व सामान वगैरह यहाँ है, सारे बंदे इकट्ठे हो चुके हैं और कुछ ही देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी कुछ बंदे जो सामान लेने गए, तो आज 15 अगस्त की पार्टी करने जाएंगे हम केवल नगर पर। वहाँ कुछ पिकनिक स्पॉट है, तो वहीं पर हम पिकनिक वगैरह मनाएंगे और इसी तरीके से आज हम हमारा 15 अगस्त की छुट्टी को जो है इन्जॉय करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आज का ब्लॉग अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो गाइज, सारे बंदे निकल चुके हैं, मैं नाश्ता करने चला गया था और सारे बंदे निकल चुके हैं, लेकिन मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा, तो मुझे भी जल्दी से जाना होगा। वो हो सकता है मेरा इंतज़ार कर रहे हो रास्ते में। तो वैसे तो गाइस, सुबह से सब चले चले कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा नाश्ता वास्ता कर आते हैं, वहाँ तो टाइम लगेगा खाना बनने में, लेकिन वो निकल ही गए। चलो कोई ना, हम डायरेक्ट वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ हमें जाना है। और बारिश जो है बंद हो चुकी है, अभी हल्के फुल्के छींटे से आ रहे होंगे। और गाइस, अब मेरे को देख कर ये लोंडे जो है गुस्से में आने वाले हैं, क्योंकि भाई मैं जब भी हेलमेट लगा कर निकलता हूँ, आज तो मैंने कोई राइडिंग गियर्स भी नहीं पहने क्योंकि बारिश हो रही है। और हम जा रहे हैं पानी वाली जगह, हमको बताना भूल गया कि हमें जाना कहाँ है। हम जाएंगे चट्टानेश्वर, जो केवल नगर में कोटा से 20 या 25 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। बंदे सारे निकल चुके हैं और सामने आप देख सकते हो बाइक वाले मेरे को देखकर जोश में आ गए एकदम से ही, उनकी बाइक का एकदम एक्सेलेटर खिंच गया। तो भाई जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं बाइक मेरे हिसाब से चलाता हूँ। थोड़ा जल्दी चलना होगा गाइस, अगर वो मुझे रास्ते में मिल जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट जहाँ पर हमारा प्रोग्राम है वहीं पर ही जाऊँगा। और बारिश वापस से चालू हो चुकी है। 15 अगस्त का काफ़ी लोग मज़ा लेते हैं, हमें वहाँ पर बहुत सारी भीड़ मिलेगी जहाँ तक मेरा अंदाजा है। सुनो गाइस, अपनी बाइक का मैंने गाइस बहुत सारी KTM देखी है, RC BS4 भी देखी है, अपनी गाड़ी BS4 ही है, मैंने बहुत सारी BS4 बाइक भी देखी है, KTM RC 200, लेकिन जैसा साउंड गाइस अपनी बाइक निकालती है वैसा साउंड वो दूसरी बाइक नहीं निकालती। और बारिश आ रही है बढ़िया तगड़ी वाली और हमें चलना है केवल नगर। तो अभी तो हम मॉल के सामने आ चुके हैं और आज काफ़ी ज़्यादा पब्लिक मिलेगी गाइस, क्योंकि वो एक पिकनिक स्पॉट है और पिकनिक स्पॉट है 15 अगस्त के दिन तो भीड़ मिलनी ही मिलनी है। और पिछली बार आपने देखा था हम गए थे मिनी गोवा, वहाँ पर भी तगड़ा माहौल था गाइस। और बाकी पिछले 15 अगस्त को तो बहुत ज़्यादा धूप थी बहुत ज़्यादा, लेकिन इस 15 अगस्त को तो अच्छा है कि मौसम बढ़िया हो रहा है। ये देख सकते हैं गाइस, पब्लिक मौसम का मज़ा ले रही है भाई। पानी की आवाज़ तो आप सुन ही सकते होंगे, एक हेलमेट पे जो है पटापट पटापट पड़ रही है, हो सकता है GoPro के लेंस पर भी कोई पानी की बूंद वगैरह पड़ी हो तो आपको दिख ही नहीं रहा हो, लेकिन अब मैं क्या करूँ, रुक सकता हूँ नहीं। और वैसे तो अपना GoPro वाटरप्रूफ है, लेकिन गाइस जब इसके अंदर अपन माइक अडेप्टर लगाते हैं तो इसकी वाटर प्रूफिंग ख़त्म हो जाती है, तो थोड़ा बहुत वो भी डर लगता है कि कहीं हो सकता है ख़राब ना हो जाए। तो हम आ चुके हैं गोबरा बावड़ी सर्कल पर और बंदे पता नहीं है गाइस कहाँ निकल गए ये बंदे। भाई मतलब गाड़ी कैसे भी मोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई मैं रियर व्यू में देख के बिना तो मैं गाड़ी मोड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि अपन के भी लग जाए। और फिर अभी मेरे को गाड़ी भी धीरे ही चलानी है, क्योंकि हेलमेट के अलावा मैंने और कोई गियर्स नहीं पहने, टी शर्ट के अंदर आ चुका हूँ गाइस मैं, क्योंकि बारिश आ रही है और बारिश का ही मज़ा लेना है। राइडिंग जैकेट में आपको पता है बारिश का मज़ा आने वाला नहीं है, तो इसी वजह से मैं टी शर्ट में आ गया हूँ। तो ये आ चुका है गाइस कोटा का एंट्री गेट, इसको हम कर चुके हैं पार। और इधर इस साइड में आता है गाइस कर्णेश्वर महादेव, अगर आप कभी आए हो कोटा से बिलोंग करते होंगे तो आप आए ही होंगे ज़रूर कर्णेश्वर महादेव। तो वहाँ पर भी आज काफ़ी रश होगा,
क्योंकि वो भी एक पिकनिक स्पॉट है। भीड़ का अंदाज़ा आप अभी लगा ही सकते हो, मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस, ये कंडेश्वर का रास्ता है और यहाँ भीड़ कितनी ज़्यादा हो रखी है। तो आज के दिन गाइस सब इंजॉय करेंगे क्योंकि मौसम फुल साथ दे रहा है और बंदे लोग देखते हैं भाई कितनी देर पहले निकल गए थे। थोड़ी सी रश राइड करने की सोच रहा हूँ, लेकिन क्या है मेरे पास राइडिंग गियर्स नहीं है गाइस, और बिना राइडिंग गियर्स के मैं गाड़ी 80 के ऊपर भी नहीं चलाता। 80 तो मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं भाई 60 के ऊपर भी गाड़ी नहीं चलाता। इसमें मंडाना भी पहुँचने वाला हूँ और अभी तक मुझे एक भी बंदा मेरे ग्रुप का नहीं दिखा। या तो हो सकता है वो पहुँच ही गए होंगे, या हो सकता है वो पीछे होंगे। पीछे तो नहीं होंगे गाइस, वो पहुँच ही गए होंगे। और व्लॉगिंग करते करते गाइस पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं, बस टाइम का अंदाज़ा नहीं लगता। आप लोगों से बात करते रहता हूँ तो, और बस पहुँच जाता हूँ जहाँ मुझे जाना रहता है। तो गाइस अभी केवल नगर नहीं आया है क्या? तो अभी नहीं आया गाइस केवल नगर, मैं गलत समझ रहा था, अभी केवल नगर नहीं आया है। तो आने में होगा, आगे ही होगा, कहाँ जाएगा केवल नगर। तो गाइस ये है झालावाड़ वाला रोड, यहाँ से इंदौर, झालावाड़, दरा, वो क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रीज एरिया भी इधर से ही आता है। तो थोड़ा रश कर लेते हैं गाइस, जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जल्दी भी नहीं जाना है हमें। और बाइक चलाने का जो मज़ा अकेले में है ना गाइस, वो दो जनों में नहीं है। अब मैं भी राइडर की तरह इन दोनों के बीच में से गाड़ी निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं निकालूँगा भाई। अरे निकल गई, वाह यार, ओ कहीं मैं पायलट तो ना बन गया। अब देख सकते हैं गाइस आप कितनी सारी गायें खड़ी हुई है रोड पर। अब अगर मान लो ना चाहते हुए भी अगर ये एकदम से रोड पर आ जाए तो भाई क्या ही होगा। इसलिए मैं कहता हूँ इस रोड पर है, इसलिए मैं कहता हूँ इस सीजन में, इस मौसम में बाइक हमेशा धीरे ही चलाओ। और ये भाई स्प्लेंडर को भी फुल भेज रहा है, उसकी बाइक 100 को टच करने वाली है। अरे गाइस भाई क्या टच करने वाली है, देख सकते हैं अपन ट्रेड को टच कर गया अपनी भाई। और बहुत ज़्यादा विंडो लास्ट हो रहा है गाइस, हो सकता है आपको मेरी आवाज़ ना आए। और मेरे को ये भी लग रहा है कि मैं कहीं यहाँ केवल नगर से आगे ना निकल जाऊँ। चलो देखते हैं जो भी होता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि मुझे किसी से पूछ लेना चाहिए कि केवल नगर में पीछे छोड़ आया हूँ या आगे है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि मैं केवल नगर जो है पीछे ही छोड़ कर आ गया हूँ। तो गाइस मेरा तो अंदाजा था गलत निकला, केवल नगर अब आया है। मैं सोच रहा था केवल नगर पहले ही निकल चुका है। तो ऐसे मौसम में गाइस पिकनिक का काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, वहाँ जाके क्या एंजॉयमेंट होने वाला है वहाँ जाकर देखेंगे। हाल फिलहाल मैं बाइक चला लेता हूँ। हम आ चुके हैं केवल नगर, लेकिन अब मुझे उस साइड जाना है। तो उस साइड जाने के लिए कट तो दिख नहीं रहा और ऐसा कुछ नज़ारा है गाइस यहाँ का। हमें इसके नीचे जाना है, उधर से होकर आप देख सकते होंगे उधर, अभी उस साइड भी जाकर आपको दिखाऊँगा मैं। लेकिन चक्कर ये है कि मैं कट जो है पीछे ही छोड़कर आ गया हूँ और अब मुझे 2-3 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना होगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, घूमने आए हम, करने के आए हैं यहाँ पर। मेरे हेलमेट का वाइजर पूरी तरीके से कीचड़ में हो चुका है क्योंकि अब बारिश रुक गई है। अब सिर्फ क्या है जो कार और ट्रक से छींटे छींटे लग रहे हैं वो हो चुके हैं। तो थोड़ा सा विंग साफ कर लेते हैं, लेकिन धूला ही धूला। और बढ़िया बात ये है गाइस कि ज़्यादा लंबा कट नहीं है, हमें यहीं से ही कट मिल चुका है। तो गाइस अभी मैंने एक R15 देखी है वर्जन 4, और वो भी बाइक को स्टार्ट कर रहा था। तो हो सकता है वो मुझे देखकर थोड़ा जोश में आ जाए, तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि हमने रोड जब क्रॉस कर ही जाए तो आपको बताने वाला हूँ मैं कि हम पहुँचने के हम जाने वाले कहाँ पर है। तो मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ, तो वो आपको अगर दिख रहा होगा तो हम वहाँ जाने वाले, या पब्लिक भी दिख रही होगी। वैसे इतना दूर का आपको मुश्किल ही दिखे क्योंकि मैंने जो है सुपर व्यू कर रखा है मेरे GoPro के अंदर।
तो इतनी दूर का मुश्किल ही दिखे, तो वहीं चल के दिखाते हैं आपको डायरेक्ट। तो गाइस ये आ चुका है केवल नगर, आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है केवल नगर। ये सिर्फ नगर है, यू भी केवल। तो रास्ता देखते हैं जाने का किधर से है इसका। मेरे को तो शायद इधर से ही रास्ता दिख रहा है या उधर से है, पता नहीं है गाइस रास्ता किधर से है इसका जाने का। हो सकता है ये वाला हो, ये तो फार्म में जाने का है यार। जाएंगे किधर से? वो मेरे साथ के बंदे भी आ रहे हैं, पता लग। अरे किधर से जाना है, किधर से जाना है? तो उन्होंने पूछ लिया गाइस हमें इधर से जाना है। बढ़िया नहर जैसी भर रही है इधर तो। अच्छा वो मैं उस रास्ते से निकल, नहीं तो मैं किसी के फार्म में चल जाता। अब जाके गाइस बारिश रुक चुकी है पूरी तरीके से, लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं है कि पानी कब आ जाएगा वापस। तो ये वो जगह है गाइस जहाँ हम आ रहे हैं, जहाँ हम आएंगे चट्टानेश्वर। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं हमारी जगह पर और यहाँ का कुछ ऐसा माहौल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। भाई लोग नहाने गए और खाना बनाने का टेंडर मुझे देके गए, तो मैं खाना वगैरह बना रहा हूँ। और अभी थोड़ी देर बाद नहाने भी जाएंगे, नहाने का भी सीन दिखाएंगे आपको। तो गाइस हमारी जिम्मेदारियों को निभा के सब जब जी बना के अब हम जा रहे हैं नहाने। अब फिसलन जैसा पानी हो रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी ज्यादा पब्लिक है यहाँ पे, सब 15 अगस्त को एंजॉय कर रहे हैं। ये बच्चा भी नारा है, ये बच्चा भी नारा है। अरे भाई इधर देख ले जल्दी से, फोटो आएगा तेरा YouTube पे। नाम है तो भाई यहाँ वाटरफॉल जैसा कुछ चल रहा है, हमारे पाँव के पैसे को ऊपर चढ़ा लेते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। नहाते काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें, हम झरने के पास नहा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना और हम अभी बैठे बैठे यहाँ हमारा पानी बढ़ चुका है, मतलब हम बैठे बैठे जो यहाँ का पानी बढ़ चुका है और धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा है। और अभी जस्ट बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हो रहा है। और अभी मैं जहाँ पर था, मैं सामने वाले फ्लाई ओवर था, मैंने वहाँ से आपको ये लोकेशन दिखाई थी और अब मैं इस लोकेशन पर आ जाऊँ। काफ़ी बढ़िया इंजॉयमेंट हो रहा है हमारा यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है। इसी तरीके से हम हमारा
15 अगस्त इंजॉय कर रहे हैं। पिछले 15 अगस्त को भी हम मिनी गोवा गए थे और इस 15 अगस्त को हम केवल लग रहा है और पानी कितनी ज़्यादा स्पीड में आ रहा है आप देख सकते हो। पीछे थपेड़ दे रहा है मेरे पानी भाई, लोग भी मज़े कर रहे हैं। तो गाइस नहाना वगैरह हमारा हो चुका है, ज़्यादा देर नहीं नहाए, हम सिर्फ 1-1.5 घंटा नहाए होंगे क्योंकि उस तरफ जो है काफ़ी गहरा पानी है और हम सिर्फ ये झरना टाइप में जो दे रहा है इसमें हम नहाए थे और नहा धो के अब हम जा रहे हैं वापस हमारे पिकनिक स्पॉट पर जहाँ हमारा खाना बन रहा है और वहाँ जाकर दिखाते हैं आपको क्या कुछ सीन होने वाला है। तो गाइस बारिश जो है काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और इसी वजह से मैं खाना खाते टाइम का वीडियो नहीं बना पाया, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए टाटा बाय।